अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस लाइक करें। अभी मेरी वीडियोस बिल्कुल न्यू हैं और बिल्कुल मैंने एक या दो वीडियोस डाली होंगी और बिल्कुल बेसिक हैं और कुछ न्यू नहीं है इसमें। मैं एक्चुअली बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ अपनी वीडियोस के लिए कि मैं कैसे आपको अच्छी वीडियोस दे सकती हूँ। पर अभी फ़िलहाल जो मेरी वीडियोस आपको लाइक करें और मुझे अप्रिसिएशन दें ताकि मेरा हौसला बढ़े। और आज मैं आप जिस बारे में बात करूँगी वो है ये क्लेंजिंग वाइप्स। आपको पता होगा आजकल जैसे कि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो कितनी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। शादियों का सीज़न है। किसी ना किसी फ्रेंड फैमिली में या किसी ना किसी रिलेटिव का किसी ना किसी दोस्त की शादी होती ही होती है ज़्यादातर विंटर्स में। तो विंटर्स में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा फंक्शंस पे जा रहे होते हैं। मेहंदी का फंक्शन, बारात का फंक्शन, वलीमे का फंक्शन। और उसके अलावा हम लड़कियां तो ख़ास तौर पे बहुत सा मेकअप यूज़ करती हैं फंक्शंस के लिए। तो ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ज़्यादा मेकअप करने का शौक है और मैं बहुत मेकअप करती हूँ और बहुत शौक से मेकअप करती हूँ। तो लेकिन मैं बहुत लेज़ी हूँ तो इसलिए मुझे सबसे बड़ा इशू मेकअप करने के बाद ये होता है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए। तो अक्सर पहले तो मैं क्या करती थी शुरू शुरू में, कभी कभार तो मेकअप रिमूव करे बगैर ही सो जाती थी। लेकिन फिर मैंने एक जगह रिसर्च की इसके बारे में तो मुझे पता चला कि अगर मेकअप प्रॉपरली रिमूव ना किया जाए तो स्किन स्किन पे ब्लैमिशेस हो सकते हैं, एक्नी हो सकती है, स्किन पे एलर्जी हो सकती है और आपकी स्किन जल्दी एज कर जाएगी, यानी कि उस पे झुर्रियाँ ज़्यादा जल्दी आ जाएंगी, रिंकल्स हो जाएंगे आपको और आपकी स्किन डल हो सकती है, या आपको अल्लाह ना करे कोई कोई भी एलर्जी हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी सवेयर रिएक्शन हो सकता है आपकी स्किन पे। तो उसके लिए क्या सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लेंस करें और उसको उस पे से सारा जो डर्ट या मेकअप है उसको प्रॉपरली, सारी जो प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं उसको रिमूव करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर मुझे मैं मार्केट में आज गई और आज मैंने ये क्लेंजिंग वाइप्स देखे। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि तो ये क्लेंजिंग वाइप्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसमें टी ट्री ऑयल भी है, यानी कि जो एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है ये क्लेंजिंग वाइप्स। ये इन पे ख़ास लिखा हुआ है कि ये इंस्टेंट क्लेंजिंग करते हैं और सारा ऑयल एक्सेस डर्ट मेकअप सब कुछ क्लियर कर देता है और आपकी स्किन को क्लियर और हेल्दी रखता है। और इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मुझे 150 में ये मिले हैं क्लेंजिंग वाइप्स। और मैं आज इनको यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये मुझे कैसे लगे। ओके जी, ये मैंने खोल लिया है और ये मैंने एक इस तरह से, ये बिल्कुल टिश्यू है, वेट टिश्यूज़ बेसिकली, ये वेट टिश्यूज़ की तरह ही है, वेट टिश्यू ही है। और इसको मैंने निकाला है और अब इसको मैं इससे अपना मेकअप साफ़ करूँगी। आई हैव यूज दिस वाइप एंड इट्स एक्सट्रीमली गुड। आई जस्ट मैंने इसको अपने फेस को उससे साफ इस पे इससे अपना फेस साफ किया है और सारा मेकअप, जस्ट लुक एट इट, इट्स सब साफ कर गया है। ये तो ऑसम है, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं पड़ी मुझे और सारा मेकअप एक फ़ौरन से उतर गया है और ये बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल से सब गर्ल्स को, आई थिंक दे मस्ट ट्राई दिस, दे मस्ट 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 ट्राई दिस। इससे मेकअप लाजमी रिमूव करें और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये सब गर्ल्स के पास ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो क्लेंजिंग वाइप्स मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।